शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये कौन सा कानून है जो एक बहन को राखी बांधने से रोक रहा है? जिंदा रहने का हक तो सिर्फ हमारा है, दोस्ती का फर्ज अभी बाकी है। चले जाओ यहां से, वरना मार डालूंगी। अपनी अपाहिज बहन को भी खो दिया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभा, दो नहीं पांच, भैया मेरे छोटी बहन को ना भूला। कम से कम मेरे अर्जुन भैया को इतना तो बोल दीजिए कि उनकी बहन आई है। अरे कितनी बार बोला तुमको कि अर्जुन सिंह किसी से नहीं मिलना चाहता और ना कोई उसे मिल सकता है। लेकिन क्यों क्यों नहीं मिल सकता जेलर साहब? आज रक्षाबंधन का दिन है, बड़े अरमान लेकर मेरी बेटी अपने भाई को राखी बांधने आई है। माधव सिंह, जेलर साहब आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझता हूँ, लेकिन एक बात मेरी जेलर का आपके साथ ये सुलूक? इससे पहले भी उस जेलर के खिलाफ काफी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। एनीवे, कल मंत्री दीनदयाल साहब से उनके फार्म हाउस पर मेरी मीटिंग है, आप दोनों भी वहां आ जाइए, अपनी शिकायत उनको सुनाइए, वो फौरन उस जेलर के खिलाफ एक्शन लेंगे और फिर आप अर्जुन से मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब, हम तो अर्जुन से मिलने की आशा ही खो बैठे थे। आओ बेटी, कल फार्म हाउस पर आना मत भूलेगा। जी। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे के साथ कुछ रियायत बरती जाए? जी। अरे भाई, वो उसका घर नहीं, जेल है, जेल। और जेल के कुछ अपने कायदे कानून होते हैं। कानून की मैं भी इज्जत करता हूँ साहब, मेरे बेटे ने जो भी किया कानून उसे कोई भी सजा दे, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन सब ये कौन सा कानून है जो एक बहन को राखी बांधने से रोक रहा है? आप देखिए इसे, रो रो के क्या हाल बना लिया इसने अपना, कल से ना कुछ खाया है ना पिया है। जुर्म अगर मेरे बेटे ने किया है तो उसकी सजा इसको क्यों मिल रही है साहब? बात बिल्कुल सच है कमिश्नर साहब, सजा इस बेचारी को क्यों मिल रही है? देखिए ना, फूल जैसा चेहरा मुरझा गया है। फूल नहीं मंत्री जी, ये तो कली है। शायद मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, मैं चलता हूँ। आओ बेटे। अरे एक मिनट, तुम तो बुरा मान गए, तुम यही चाहते हो ना कि मैं जेलर के खिलाफ एक्शन लूँ। अभी ले लेते, आज बुलाइए ना जेलर साहब को। हाँ जेलर साहब, बाहर आइए हुजूर। समझ गया साहब, अच्छा सिला दिया है तुम लोगों ने मेरे बेटे को ईमानदारी का। तुम्हें अपने भाई से मिलना है ना, हम उसे यहीं बुला लेंगे, फिर जी भर के मिल लेना। अभी तो तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं, पहले हम तुम्हें पिलाएंगे फिर खिलाएंगे। लो पियो। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, हम लोग तो यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। हमें भी छुट्टी मनाने दो, तुम भी छुट्टी मना। बोलो क्या पियोगे? बियर, विस्की, वोडका? बस बहुत हो गया साहब, आप लोग क्या समझते हैं, सारे रास्ते मैं खामोश नहीं बैठूं। अच्छा हुआ जो आप लोगों ने आज मुझे यहाँ बुला लिया, कम से कम मेरे दिल से एक बोझ तो उतर गया कि मेरा बेटा गुनहगार नहीं। चलो बेटे। बेटे अंजाओ, बेटे अंजू बेटे
अर्जुन बेटे, अर्जुन बेटे, बेटे अर्जुन, अब तक जो मैं कहता रहा गलत कहता रहा बेटे कि तू हिंसा छोड़ दे, लेकिन आज मैं कहता हूँ मिटा दे जालिमों को, मिटा दे, विनाश कर दे इन पापियों का, विनाशक बन जा, विनाशक बन जा, विनाश क्या हालत बना रखी है तूने? ईमानदारी जताकर तुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं, बहुत बर्दाश्त कर लिया तूने, बहुत जुर्म हुआ है तुम्हारे साथ, इसलिए हमने फैसला किया है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं। एक बात तुम भूल रहे हो लंकेश्वर, अगर तुमने इसे आजाद कर दिया तो ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, चुन चुन कर मार डालेगा। मुझे भी लगता है सबको मार डालेगा ही, लेकिन हम क्यों मरे भाई? हाँ, जिंदा रहने का हक तो सिर्फ हमारा है, क्योंकि दुनिया भर के ऐशो आराम हमारे पास है, इसके पास क्या है? बूढ़ा बाप था, हाँ, हमारे ही घर में आकर हम पर ही भौंकने लगा, एक ऐसा बार पड़ा कि कुत्ते की तरह जुबान बाहर निकल आई, एड़िया रगड़ रगड़ कर मर गया। बच्ची थी एक छोटी बहन, उस बेचारी का अपना प्रॉब्लम, ये अजगर जेल से भूखा प्यासा छूट कर आया और सीधा निकल गया उसे। एक और महारथी थे, इनके ही आदर्श मिस्टर अग्निहोत्री, बहुत चढ़ी चढ़ी थी, उसे ये गलत फहमी थी कि वो प्लान बना रहा है तुम्हें भेजकर हमारी गिरफ्तारी का, सच तो ये है कि प्लान हम बना रहे थे तुम दोनों को खत्म करने का, क्योंकि तुमने हमारा करोड़ों का माल पकड़वा कर हमें नुकसान पहुंचाया, उसे मरना था वो मर गया। नहीं नहीं, अरे तुमने उसे नहीं मारा, वो पाप तुम अपने सर पे मत लेना, तुमने तो उसे नकली गोली मारी थी, उन्हें काम तो हम सबने किया था। मरने की एक्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है सर, लेकिन असल में मरना उतना ही आसान है। ये निकला रिवॉल्वर, ये लगाया निशाना और ये चली गोली। तेरे हमदर्द, तेरे चाहने वाले साहब एक एक करके ऊपर चले गए, तो अकेला इस दुनिया में जीकर क्या झक मराएगा? अरे ये दुनिया तो नरक है नरक, इस संसार में सिर्फ हमारे जैसे लोग जी सकते हैं, तुम जैसे नहीं। तुम तो बड़े ईमानदार और बहादुर पुलिस अफसर थे, तो तुम्हारी मौत भी बहुत शान और इज्जत से होनी चाहिए,
आशिक का जनाजा अगर धूम से ना निकले तो इश्क करने का फायदा ही क्या है? अरे लंकेश्वर, ये सुन रहा है कि नहीं? सब सुन रहा है। अजगर, मंत्री जी, अपने शुभ हाथों से इन्हें पुलिस इंस्पेक्टर बना दीजिए। यह है अशोक स्तंभ, जिसे तूने हमेशा अपने सर का ताज बनाए रखा। ले, बैठ इसे। और ये है वो सितारे जो जुर्म की अंधेरी रात में चमक कर तेरे नाम को चमकाते थे। इसे सीने पर लगाकर तू शेर की तरह चला करता था। लाओ फिर चलाओ। और ये नाम अर्जुन सिंह, जिसका नाम और निशान अब मिटने वाला है। सर उठाकर उससे मदद न मांग। अब तुझे बचाने के लिए उसका कोई बंदा नहीं बचा है। या अल्लाह, तेरे हबीब के सदके में दुनिया वालों पर रहम कर, फजल कर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम नईम मियां, आइए तशरीफ लाइए। ये लीजिए आपका पासपोर्ट। वाह, अल्लाह के फजल से आप हज पर रवाना हो रहे हैं। हाँ नईम मियां, ये अल्लाह ही का तो फजल है। पिछले 3 साल से मुसलसल कोशिश कर रहा था, हर बार कोई ना कोई काम निकल आता था। इस बार अल्लाह ने सुन ली। टैक्सी लाओ। हाँ। अरे सलीम मियां, टैक्सी में सामान रखवा भाई। खान साहब, ओफो, ये तकल्लुफ। तकल्लुफ किस बात का? क्या हुआ खान साहब? नहीं मियां, आप तो वाकिफ हैं, हज का फर्ज अदा करने से पहले और भी फर्ज अदा करने होते हैं। मैं नहीं जा सकता, दोस्ती का फर्ज अभी बाकी है। दरवाजा खोलो। क्या काम है? अर्जुन सिंह से मिलना है। अर्जुन सिंह से कोई नहीं मिल सकता। क्यों? जेलर साहब का ऑर्डर है। जेलर साहब कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? कोई ठीक से जवाब नहीं देता। कोई कहता अर्जुन से नहीं मिल सकते, कोई कहता अर्जुन किसी से मिलना नहीं चाहता। अगर अर्जुन नहीं मिलना चाहता तो मैं मिलना चाहता हूँ अर्जुन से। कहाँ है सब लोग? कहाँ है तुम्हारा ऑफिसर इंचार्ज? देखो क्या है वो? ये तेरी बात नहीं समझेगा, इसे भी मुझे ही समझाना पड़ेगा। ए चल, क्या हो रहा है सब? कौन है आप? जरा और ऊंचे बोलिए, एक कान से बहरा हो गया ये। मैं इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान खान हूँ, अर्जुन सिंह से मिलना चाहता हूँ। और ये किसी पर हाथ उठाना क्या तमाकू खाना समझता है? समझा दीजिए इसे, नहीं तो उल्टे हाथ का एक और दूंगा तो दूसरे कान से भी बहरा हो जाएगा। आप इंस्पेक्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जेल के डिसिप्लिन को तोड़ें। मैं समझ रहा हूँ आपका डिसिप्लिन, अब जरा उसे भी देख लूं जिसने ये डिसिप्लिन बनाया है। कहाँ है तुम्हारा जेलर?
सर मैं इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान खान हूँ। मैं अर्जुन से मिलने जेल गया था लेकिन मुझे उससे मिलने नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों नहीं मिल सकता उससे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए। डॉक्टर की भी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए अर्जुन मेरा दोस्त है और खूनी है वो। उसने अपने सीनियर अफसर का खून किया है। खूनी वो नहीं, खूनी तुम लोग हो। लगता है इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। इसकी तो मैं वर्दी उतरवा के ही रहूंगा। वर्दी किसी नेता की टोपी नहीं है दीनदयाल, जिसे अपने मतलब के लिए जब चाहा पहन लिया और जब चाहा उतार दिया। खान साहब, खान साहब आपको अर्जुन सिंह से मिलना है ना? तुम कौन हो? फिकर मत कीजिए, मैं इन लोगों का पालतू कुत्ता नहीं हूं। अर्जुन सिंह तक सिर्फ आपको मैं पहुंचा सकता हूं, लेकिन कीमत लूंगा इसकी। नहीं नहीं, नहीं, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे इस काम की कीमत है अर्जुन की रिहाई। बचा लीजिए उसे। इन लोगों ने उस पर इतने जुल्म किए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। खान साहब ये तो अर्जुन है जो अब तक सांसें ले रहा है। अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो कब का खाक हो चुका होता। अर्जुन कहाँ है ये मैं बताऊंगा। जाओगे ना तो तुम्हें सेल नंबर 3 दिखाई देगा। उस सेल नंबर 3 के पास ही जेल का किचन है। वहीं पर तुम्हें छोटा सा पेड़ दिखाई देगा और वहीं से उस तहखाने में जाने का रास्ता है जहां उन्होंने अर्जुन को कैद करके रखा है। ऑल द बेस्ट। अर्जुन, 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 होश में हो मेरे भाई, अर्जुन, 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 अर्जुन सब पता चला। तू फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं। अर्जुन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा कर भाई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। खुदा ने जुल्म करने वालों को कभी नहीं बख्शा। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसे सब खबर है। चलो अर्जुन, चलो, चलो, चलो अर्जुन।
जेलर साहब, वो अर्जुन सिंह जेल से फरार हो गया। याद रखना अर्जुन, एक दिन ऐसा काम कर जाऊंगा ना, तू सलूट करेगा मुझे। अच्छा हुआ जेलर साहब आप उस वक्त यहाँ नहीं थे, वरना रात को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि चारों को खलास कर दूंगा। एक का तो समझ में आता है, बाकी तीन कौन है? काजल दरवाजा खोलो, काजल, काजल मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं जेल से भागा हूँ। काजल, काजल पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, काजल प्लीज दरवाजा खोलो, काजल।
काजल। चले जाओ यहाँ से वरना मार डालूंगी। काजल, काजल अगर मुझे मार कर तुम्हारे अंदर दह करीब बदले की आग बुझ सकती है तो मार तो मुझे, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी होगी। मैं अपने माथे पर बदनामी का दाग लेकर मरना नहीं चाहता काजल। अरे तुमने अपने माथे पर और मेरे दिल पर बहुत दाग लगाए हैं जो तुम्हारे मौत के बाद भी नहीं धुल सकते। मैं जानता हूं काजल, जो घाव तुम्हें मिले उसका दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन काजल मेरा यकीन करो, मैंने इस फरिश्ते का खून नहीं किया। झूठ बोलते हो तुम। अगर तुम खूनी नहीं हो तो उन गवाह और सबूतों ने तुम्हें खूनी कैसे साबित कर दिया? अगर तुम गुनहगार नहीं हो तो अदालत में भी बेगुनाही का सबूत क्यों नहीं दिया? जब सजा सुनाई जा रही थी तो अपना सर झुकाए क्यों खड़े थे? क्यों क्यों क्यों? है जवाब इसका तुम्हारे पास? जवाब है मेरे पास काजल। हाँ, सारे सबूत और गवाहों ने मुझे खूनी साबित कर दिया। अगर अदालत में मैं अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित कर सका, अगर सजा सुनते वक्त मेरा सर झुका हुआ था तो सिर्फ इसलिए काजल, क्योंकि वो एक सीक्रेट प्लान था। मैं नहीं जानता था कि वो एक प्लान नहीं बल्कि मेरे खिलाफ एक साजिश थी। मैं नहीं मानती ये झूठी कहानी। काजल, 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 डैमिट! क्यों नहीं समझती तुम? डैमिट! क्यों नहीं समझती? डैमिट! क्यों नहीं समझती तुम काजल? क्यों नहीं? Believe me, Kajal, believe me. Kajal, Kajal, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या मैं तुम्हें खूनी लगता हूं? मैं मानता हूं वो तुम्हारे पिता थे, लेकिन मेरे लिए पिता से बढ़कर थे। वो मेरे गुरु थे, मेरे आदर्श थे। काजल, क्या तुम्हें लगता मैं अपने गुरु, अपने आदर्श का खून कर सकता हूं? काजल, दुश्मनों की साजिश ने सिर्फ तुम्हारे पिताजी की जान नहीं ली, हरिनाम को भी फांसी पर चढ़ा दिया। क्या हाजी खान मुझे बचाते शहीद हो गए, यहां तक कि मैंने अपनी अपाहिज बहन को भी खो दिया। अपने बाप की आरती को कांटा भी नहीं दे सका मैं। अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये देखो। देखो, देखो, तुम्हें अभी यकीन नहीं आता? भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई है। जुल्म और आतंक को मिटाने की एक ऐसी मिसाल पैदा करूंगा जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी, जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी। घर पे तो कोई नहीं है।
नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी वार्टी नहीं मनानी, कुछ नहीं चाहता हूं मैं। अरे जो अर्जुन लोहे की सलाखें और पत्थर की दीवारों को फांस कर भाग सकता है, उसका मेरी पार्टी में आना क्या मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। आप चिंता क्यों करते हैं मंत्री जी, वो जरूर आएगा। पहले उसका सर कटेगा, उसके बाद आपका केक कटेगा। लंकेश्वर, अर्जुन बेवकूफ नहीं है। माना मंत्री जी, माना, वो बहुत अकलमंद है, लेकिन गुस्सा अकल को खा जाता है, और आपकी बर्थडे पार्टी पे अर्जुन को उसकी अकल नहीं उसका गुस्सा लाएगा, और गुस्सा ही उसकी मौत का कारण बनेगा। आप सिर्फ ये बताइए कि आपको अर्जुन जिंदा चाहिए या मुर्दा? अरे मुर्दा चाहिए मुझे, नहीं लाना भी मत, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन हाँ कमिश्नर, मुझे पूरा पुलिस बंदोबस्त चाहिए यहाँ पर। आई वॉन्ट द इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट ओवर हियर, ताकि कोई भी खतरा ना हो। खतरा तो है मंत्री जी। हमारे लिए नहीं, अर्जुन सिंह के लिए।